हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो हम देखते हैं, सबसे पहला है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हम समझते हैं तो वो फूड सब्सटेंसेस जो हमें नरिशमेंट देते हैं, हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं फूड के? तो होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल्स। एडिशनली अगर हम देखें तो डाइट्री फाइबर्स और वाटर भी न्यूट्रिएंट्स में ही आएंगे, बट मेनली पहले ये फाइव हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का सेवन करना चाहिए। वहीं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल फॉर्म में भी होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी फूड में पाया जाता है। वहीं हम देखें फैट्स की, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना अगर हम करें, क्योंकि दोनों ही एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी फैट भी, अगर दोनों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है एंड देन कार्बोहाइड्रेट देता है। देन हम मिनरल्स को देखते हैं, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बोन्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, टीथ की और आरबीसीज़ की, आरबीसीज़ मींस रेड ब्लड सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। वहीं हम देखें प्रोटीन्स की, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। वहीं हम देखें विटामिन्स की, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से। तो डिजीज से अगर बचाना है अपने आप को तो विटामिन्स का सेवन करना चाहिए, जिससे कि वो एंटी एजेंट्स और बताएंगे एंटीजेंट्स, जिससे कि हम डिजीज से लड़ पाएंगे। नेक्स्ट है रफेज। तो ये डाइट्री फाइबर है जो कि फूड में पाया जाता है। ये रेगुलर मूवमेंट्स जो होते हैं उसमें कह सकते हैं आसानी से रेगुलर मूवमेंट्स पाते हैं बॉवल्स के, एंड कॉन्स्टिपेशंस को जो प्रिवेंट करता है, मतलब अगर हम रफेज खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ये हम इन शॉर्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होती। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट देता है एनर्जी, फैट देता है एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो इन सब का जो राइट क्वांटिटी में और सही अमाउंट में रफेज और वाटर को मिलाकर जो एक हमारी डाइट बनती है उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब इसमें सारी चीज़ें मिली हुई रहती है, मतलब सारी चीज़ें हमें अगर प्राप्त हो भोजन से, कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट्स हो या विटामिन्स हो या मिनरल्स हो, सभी चीज़ अगर हमें प्राप्त हो रही है तो उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। वहीं हम देखते हैं डिफिशेंसी डिसीज क्या होती है। तो अगर हमने जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अगर हम ठीक से नहीं ले रहे हैं या उनमें कोई एक न्यूट्रिएंट मिसिंग है, उसे हम बाकी सारी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, या बाकी सब चीज़ें खा रहे हैं और प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो अगर किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स का की कमी होना लंबे समय तक, ऐसा नहीं एक दो दिन की बात नहीं होती है, लंबे समय तक की बात होती है, अगर लंबे समय तक हम कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो उसकी हम कमी हमारे बॉडी में होने लग जाती है, और उसी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डिफिशिएंसी डिजीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है वो कौन कौन सी होती है। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, जिसमें स्टंटेड ग्रोथ, थिनिंग ऑफ लैग्स एंड पॉट्रूडिंग बैली, ये इसके लक्षण हैं जो नज़र आने लगते हैं। तो यह है अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी लंबे समय तक रहे तो मलास्मस की बीमारी हो सकती है, जिसमें कंप्लीट या पार्शियल अरेस्टेड ग्रोथ होता है, लैक ऑफ एनर्जी पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने तो एनर्जी तो हमें कम ही बनेगी। सो नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिससे बॉक्ड लेग, बेंट स्पाइन, डिफॉर्म्ड बोन्स
एंड जॉइंट्स। फिर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड वीकनेस। फिर हम आई से गोइट्रे, और गोइट्रे में थायरॉयड ग्लैंड बढ़ जाती हैं और ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाती है। वहीं हम आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिसमें फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन, ये सारी इसकी लक्षण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 को देखा, जिसमें हमने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी ज़रूरत क्यों है ये देखा, और फिर हमने देखा कि इन सब को मिला के हमने अगर लेंगे सही न्यूट्रिएंट्स में, तो उसे सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर सही अमाउंट में लेंगे तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, और वहीं पे अगर नहीं लेंगे तो कौन सी डिजीज होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। सो थैंक्स फॉर मोर, बाय बाय।